नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में सांची डेयरी का नवीन संयंत्र लगभग 10 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 फरवरी 2023 को किया गया था। अभी लोकार्पण के एक वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए और बिना किसी अग्रिम सूचना के 18 कर्मचारियों को दिनांक 15 नवंबर 2023 को लागत ज्यादा होने का हवाला देकर निकाल दिया गया है, जो कि संयंत्र में लगभग 10 से 20 वर्षों से कार्यरत थे। कर्मचारियों का आरोप है कि वह अपने जीवन का आधा समय यहां दे चुके हैं, इसके बावजूद भी इन्हें बिना किसी कारण और सूचना के बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने रीवा कमिश्नर से काम पर वापस रखे जाने और न्याय की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें काम से निकाले जाने के बाद अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पड़ी हुई है। हम लोगों की ये मांगे हैं कि हम लोग 15 से 16 वर्षों से सांची डेयरी प्लांट में काम कर रहे हैं और हम लोगों को 15 तारीख को बिना बताए आकस्मिक शाम को 5 बजे निकाल दिया गया है। इस काम में कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमको किस वजह से हमको निकाला गया है, क्योंकि वहाँ के ना कोई भी कर्मचारी ना कोई भी कोई जानकारी देने से सब बस नहीं आ रहे हैं, कोई बता नहीं रहे हैं हम लोगों को सही ढंग से। कितने कर्मचारी हैं, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग वहाँ 30-40 कर्मचारी हैं और हम लोगों को 15-20 लड़कों को निकाला गया है। अभी क्या कहाँ ज्ञापन शिकायत किए हैं, आज कहाँ? अभी हमें माननीय कमिश्नर महोदय साहब के पास आए हैं, यहाँ देंगे, इसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। मैं पूर्व में लोगों से मिला हूँ, संपर्क में किया हूँ, जैसे माननीय मंत्री जी के यहाँ भी गया था, वहाँ भी बात की थी हम लोग, वो बोले कि 3 के बाद चुनाव खत्म होने के बाद हम कोई काम करेंगे। मांगे नहीं मांगी जाती, आगे से क्या करेंगे? आगे मांग नहीं, अगर हमारी मांगे भी नहीं मानी जाती तो हम लोग डेयरी परिसर में ही आंदोलन करेंगे, वहीं पे अपना या जो हो सके वो करेंगे, कि जान देना पड़े तो जान भी दे देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। यहाँ का डेयरी प्रबंधन है जबलपुर कोई सुन नहीं रहा हम लोगों की कोई बात। क्या नाम? मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी है, ये मेरे सभी स्टाफ हैं डेयरी